बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि भाई उसे भी कह देते हार ही है, तो वहीं वो समझ जाता है कि ये तो बेवकूफ बना रहा है। उनके हाथ में कलम रहती है, देखो तुम्हारा भविष्य उनके हाथ में है। दिल्ली पुलिस के मेडिकल को लेकर आप बिल्कुल ना घबराए। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं आप इसका लड़के का जो है दिल्ली पुलिस में भी नंबर आ चुका है, जो कि मेडिकल के लिए तैयारी कर रहा है। आगे देखते हैं फाइनल कट ऑफ कितने पे लगती है। और आप देख सकते हैं यूपी में भी नंबर आ गया आपके सामने है, जो कि अभी इन्होंने 9 अगस्त में मेडिकल क्लियर किया है। आप देख सकते हैं, आपको अच्छे से बताएंगे कि आपको मेडिकल की तैयारी कैसे करनी है। करते हैं दिल्ली पुलिस के मेडिकल को लेकर, स्टूडेंट काफी परेशान है जो कि कमेंट्स कर रहे हैं कि सर मेडिकल में क्या क्या होगा, क्या क्या, हमें बहुत घबराहट हो रही है इसको लेकर के। कोई पूछता है कि अगर मेरी उंगली पे टैटू है या मतलब यहाँ पे टैटू है तो क्या होगा, या फिर अगर पैर की उंगली टेढ़ी है या हाथ की उंगली थोड़ी टेढ़ी है तो क्या होगा। दोस्तों उसी को लेकर मैं आप ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा दोस्त है इसका 9 अगस्त को जो यूपी पुलिस में मेडिकल क्लियर हुआ है, 41वीं वाहिनी जो कि वैशाली है। दोस्तों बताते हैं कि जो दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के मेडिकल में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम होने वाला है। आप मेरा दोस्त लाइव बताएगा आपको कि किस तरीके से इसका पूरा मेडिकल हुआ, जो कि 2 दिन पहले ही मेडिकल हुआ है गाजीबाद 41वीं वाहिनी में, जो कि यूपीपीएससी के बैच के मेडिकल चल रहे हैं। और आपको लाइव मैं दिखाऊंगा इसमें आपको जो भी पॉइंट बनने वाले हैं या नहीं बनने वाले हैं। तो दोस्तों पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि दिल्ली पुलिस के मेडिकल को लेकर आप बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल बहुत आसान होने वाला है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ डिफिकल्ट जो आपके वो होते हैं ना मेडिकल, वो एक तो एसएससी जीडी का और आर्मी का, ये काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं। लेकिन जो स्टेट पुलिस का जो मेडिकल होता है उसमें ज़्यादा कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो बहुत आसानी के साथ। तो दोस्तों करते हैं एक्सप्लेन कि किस तरीके से इनका मेडिकल जो हुआ है, एंट्री होने के बाद क्या क्या चेक हुए। तो दोस्तों करते हैं, तो पहले तो दोस्त आपका स्वागत है, स्वागत तो नहीं करूंगा क्योंकि अपना ही दोस्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बताइए आप अपनी जो वहाँ पे एंट्री हुई आपके, जो क्या था कि वहाँ पे जो पहले डॉक्यूमेंट्स हुए क्या हुए, मतलब सबसे पहले तो हम एंट्री करते हैं, तो उसके बाद में फिर ऐसे ही क्रम वाइज बुलाते हैं क्योंकि एडमिट कार्ड पे नंबर लिखे होते हैं तुम्हारे। उसके बाद में उन्होंने बुलाया और बोल दिया कि आप अपने कपड़े उतार दीजिए, बस अंडरवेयर में उन्होंने वहाँ, और साथ में आप एक फ़ाइल ले लीजिए अपने डॉक्यूमेंट की। तो हमने फाइल ले ली वहाँ पे, तो सबसे पहले ऐसी मेज लगी होती है हर डॉक्टर की, कि कान और कान वाला डॉक्टर अलग बैठता है और आई वाला अलग बैठता है और हाई चेस्ट वाला अलग रहता है, सब अलग अलग रहता है पूरा डिपार्टमेंट। हाँ, और हड्डी वाला भी अलग रहता है। तो सबसे पहले पहली वाली मेज पर गए थे, तो वहाँ पर हमारी वेरिफिकेशन हुई, तो उन्होंने बोला कि आप ही हैं या कोई और तो नहीं है। तो वहाँ हमारे फ़ोटो वगैरह होके और सिग्नेचर वगैरह, फिर हमारी फ़ाइल ले दी गई हमें हाथ में। तो हम सबसे पहले जो कान वाले डॉक्टर थे उनके पास हमें बिठा लिया, तो उन्होंने कान में एक मशीन सी होती है ऐसे, उसको कान के अंदर डाला, दोनों कानों के अंदर, और देख लिया उन्होंने, पता नहीं क्या देखा होगा। हाँ, उसमें जो है अंदर का व्यूज बाहर नजर आ जाता है, वो इसलिए वो लगाते हैं वो मशीन। और उसके बाद में एक चिमटा टाइप का होता है एक मशीन सी, उसे पहले उन्होंने अपनी मेज पे मारा और फिर कान पे लगाया कि बोलो आवाज़ आ रही है क्या, पहले राइट पे लगा फिर लेफ्ट पे। तो उसकी आवाज़ जो है ना कंपन होता है उसमें, बस थोड़ी सी आवाज़ आती है लेकिन आती है ये। तो पूछते हैं वो कि आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, कि मैं सर आ रही है आवाज़। तो ऐसे ही यहाँ लगाया, फिर माथे पे लगाया सामने, फिर पीछे लगाया, और ये बोझा कि पहले सही आ रही थी आवाज़ या अब क्या सही आ रही है। तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहली यस यस बोलते रहते हैं कि भाई मतलब आवाज़ ना भी आ रही है तो भाई आ रही है आवाज़, लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि सर जो डॉक्टर रहते हैं वो बाजी दफे उसे बजाते नहीं है, ऐसे ही लगा देते हैं चेक करने के लिए। चेक करना होता है उसको। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि भाई उसे भी कह देते हैं हार ही है, तो वहीं वो समझ जाता है कि ये तो बेवकूफ़ बना रहा। तो इससे हमें बचना है, जैसा जितना डॉक्टर कह रहे हैं ना सिर्फ इतना ही हमें करना है, बाकी अनुशासन में रहना है। उसके बाद में फिर उन्होंने हमारी फाइल थी उस पर ऐसे ओट में करके लिख दिया उस पर जो भी लिखना था, क्योंकि एक तरफ जो कॉलम रहती है नकारात्मक लिखा रहता है, एक तरफ सकारात्मक, तो जो नकारात्मक वाली उस पर कर देते हैं क्योंकि पॉजिटिव वाली पे तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा वो। उसके बाद में फिर हमें जो आँख वाली डॉक्टर थी, एक महिला थी हमारे बैच में जो पैनल में आई थी, दोनों एक लगभग 6 मीटर की दूरी पर एक चार्ट लगे होते हैं, उसमें XUV करके बहुत सारे चार्ट है, मैं बता दूंगा तुम्हें। चार्ट आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर दिखा दूंगा, जो कि यूपी पुलिस के जो फिजिकल सेंटर से ही रिलीज हुए हैं, आप देख सकते हैं। हिंदी के भी चार्ट थे उसमें, इंग्लिश का भी। तो ऐसे उसमें अंदर लाइट लगी होती है और उसे
घुमाते हैं इस तरह से, मतलब बैक टू बैक है हिंदी और इंग्लिश में। तो ऊपर से उनको पढ़ो बेटा उसे, तो सब पढ़ देते हैं। फिर जब सबसे नीचे वाली जो 6x6 की रहती है, सबसे छोटे जो लेटर्स होते हैं 6x6 होते हैं, उसके ऊपर जो लाइन रहती है वो 6x9 की रहती है। तो ज़्यादातर बंदे 6x9 वाले उसे वहाँ तक पढ़ देते हैं, 6x6 नहीं पढ़ पाते। तो इसमें तो कोई बात नहीं है, 6x9 भी चल जाता है इसमें, लेकिन जिसे भाई सही चमक रहा वो 6x6 वाला ही पढ़ देता है। तो मैंने तो सारे पढ़ दिए थे, मुझे सही चमक रहा था, बस 6x6 वाले कुछ शब्द नहीं चमके थे, लेकिन सारे मैंने पढ़ लिए। तो मैडम क्योंकि वो डॉक्टर, उन्होंने बोल दिया कि भाई ठीक है। फिर उसके बाद में तब इन्होंने कलर ब्लाइंडनेस के लिए बुक आती है जिसे दिखा देंगे, देख सकते हैं आप कलर ब्लाइंडनेस की बुक, जो कि सेम टू सेम यही बुक होगी आपकी। हाँ, तो आप देख सकते हैं इसमें उन्होंने ऐसी नंबर गिरे रहते हैं इसमें कि बताइए, उसमें रंग रहते हैं उसकी लाइनों के पॉइंट बिंदी बिंदी से, तो भाई क्या नंबर है, तो उसमें 47, 48, 16, 8, 6 ऐसे करके बहुत सारे रहते हैं नंबर, तो उनमें से बताते रहते हैं उन्हें, यानी कलर ब्लाइंडनेस चेक करने के लिए वो बुक देते हैं। बिल्कुल, उसके बाद में वो कह देते हैं ठीक है बेटा। फिर वहाँ से हमारी फाइल जस्ट थी, जो हड्डी वाले डॉक्टर होते हैं वो हमारी नोकनी चेक करते हैं और हमारे हाथ ये ऐसे देखो, हाथ तो वो ऐसे चेक करते हैं, ऐसे सीधे बिल्कुल, कि बेटा ऐसे कर लीजिए और ऐसे करिए, और आपस में मिलवाए इस तरीके से क्या, नहीं इस तरीके से नहीं, नहीं ऐसे सीधा, ऐसे सीधा चेक नॉर्मली, ये और ये उंगली चलाइए आप, मुट्ठी खींचिए और टूटे हुए तो नहीं आना चाहिए। और फिर एक उन्होंने कहा था कि भाई ऐसे ऐसे इस टाइप से करो, छुपो जब ऐसे ऊपर से ला के ऐसे करके ऐसे करवा था उन्होंने, और फिर एक बार ऐसे करके ऐसे यहाँ तक कंधे तक आप हाथ लाएंगे, ठीक है बेटा, तो ऐसे मैंने कर दिया तो ठीक है। उसके बाद में नोकनी चेक करी थी, देख सकते हैं दोस्तों नोकनी का ये सिस्टम था, वहाँ पर नोकनी चेक की आपकी, जो यहाँ पर गैप होता है ये हड्डी आपस में मिली नहीं होनी चाहिए, ये भी वहीं की चेक हुई, और यहाँ पर जो आपस में ये जो है यहाँ से और पीछे तक मिला हुआ होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नोकनी में तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो दोस्तों बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जिनके नौकरी रहती है, देखो शुरुआत में मेरे भी थी, लेकिन मैंने उसका पहले से ही सर के बताए हुए तकिया लगाकर और एक्सरसाइज करके वीडियो देखकर, तो मैंने इतना गैप कर लिया था इसमें, नहीं तो मेरी मिली हुई थी बिल्कुल ही। दोस्तों आप भी अगर नौकरी की प्रॉब्लम है, आप 15 से 20 दिन में आसानी से कर सकते हैं, देख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है कि क्या किस तरीके से मैंने नौकरी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बताया। ये तो मैं सिर्फ नॉर्मल कराऊँ, तो लड़के खींचते भी हैं अपना फिर टांगों को पीछे को, तो देखिए मैं वो थोड़ा मैं गैप कर सकता हूँ, देखिए अब फिर और गैप इस तरीके से मैं तरीका बता रखा है आपको, आसानी से देख के आप बहुत अच्छे से पहले नौकरी की प्रॉब्लम सॉल्व कर, अगर ऐसे आप सिंपल खड़े होंगे तो ये देखो अब नौकरी हो रही है, लेकिन इसे भी आप छुपा सकते हैं थोड़ा अपने स्मार्ट तरीके से, इस तरीके से देखो, ये देखो इस तरीके से छुपा सकते हैं, पीछे से जो है इधर को घुमा के इधर को घुमा गैप बना सकते हैं, बस वहाँ सीधा आप पहली बार में आप खड़े हो सकते हैं, जिससे कि उन्हें उनकी नजर ना पड़ने पाए। फिर उसके बाद में वो चलवा के देखते हैं कि भाई चलना बेटा ऐसे करके, तो ऐसे करके चलवाते हैं, ऐसे करके। उसके बाद में फ्लैट फिट देखा था, फ्लैट फिट में नंगे उसमें एक बोरी थी, गीली बोरी, हाँ उस पर चलवा के पैर रखवा के कि बेटा चल के दिखाओ उस पर, तो वहाँ छप जाते हैं पैर उस पर, तो मेरे तो कोई इसकी फ्लैट फिट की कोई, यानी कि अगर आपकी आर्च नहीं आती है, ये इस तरीके से ये आर्च नहीं आती है, वहाँ पे जो गीली बोरी पे पैर लगा के अलग रखाते हैं, अगर आर्च बननी है आपकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आर्च नहीं बननी है तो दोस्तों आप वीडियो देख सकते हैं मेडिकल की किस तरीके से आर्च बनाना है। उन्होंने वहाँ से फाइल मेरी, उसके बाद में फिर हाइट जो सर बैठे रहते हैं हाइट पे डॉक्टर रहते हैं, चेस्ट वाले और प्राइवेट पार्ट वाले, वो एक ही डॉक्टर थे दोनों चीज़ हार्ट चेस और प्राइवेट पार्ट वाले, तो प्राइवेट पार्ट चेक किए थे उन्होंने, वो एक ले आके एक तरफ को कि भाई दोनों प्राइवेट दोनों देखा था, और ये मसल्स देखी थी यहाँ पीछे, वेरिकोज मसल्स चेक करते हैं किस तरीके से आपकी जो है ये नसें फूल तो नहीं रही है, क्योंकि इनमें ब्लड जम जाता है जो कि नीचे तो आता है, ब्लड ऊपर नहीं जा पाता, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वेरिकोज की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ ये नसबाजी गुच्छे हो जाते हैं इनके बाजी लड़कों के, वेरिकोज हो जाती है, ब्लड जम जाता है, उसको फ्लो करने के लिए आसान तरीका। उसके बाद में फिर हाइट चेस्ट नापी इन्होंने, हाइट पे वो ऊपर से गिरने वाला जो अच्छा ऊपर से लगाने वाला इस तरीके से उधर थोड़ा सा घुमा देते हैं उसे ऐसे करके, हाँ टाइट करके मतलब अच्छे से, उसकी हाइट भी सही नाप रहे थे, कोई नहीं पीट रहे थे, फिर एक डॉक्टर खड़े होकर देखते थके उन्हें कि भाई हाँ सही है। उसके बाद में चेस्ट फुलाओ 5 का था, तो मेरे को लगभग 7-8 का फुला हुआ है। उसके बाद में प्राइवेट पार्ट में मतलब क्या स्किन चेक करी थी, पेनिस की क्या टेस्टी चेक करे थे, क्या मैं था? वो टेस्टी देख रहे थे, मतलब दूर से, वैसे तो उन्होंने इतना दूर से देखा, डीपली नहीं देखा मतलब, हाँ और
बवासीर देख रहे थे उसमें। हाँ बवासीर की प्रॉब्लम, खांस के भी दिखवाता हूँ, खांस बेटा खांस के ऐसे करके ऐसे। और कोई आगे? बस और उसके बाद में फिर बस यही कंप्लीट लिया और कुछ भी? हाँ बस ये इतना ही देखा था, और बाकी हाई चेस ना भी तो फाइल होगा कि आप बैठ। कोई ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट? ना 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 कोई कुछ नहीं दोस्तों, इतना ज्यादा कोई मेडिकल नहीं है। जो कि स्टेट पुलिस का और सेंट्रल पुलिस का जो होता है मेडिकल सेम ही होता है लगभग, तो दिल्ली पुलिस वालों को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद में आपको करके बिठा देते हैं कि भाई आप वेट करिए, इतना रिजल्ट का इंतजार करिए। तो फिर कुछ घंटों बाद में जब सभी के हो जाते हैं तब सबका अनाउंसमेंट कर देते हैं कि भाई जो अनफिट है उन्हें बोल दिया जाता है उनका नाम, और जो फिट हैं कह देते हैं बाकी सब पास हैं। कितने हुए तुम्हारे बीच में अनफिट? मेरे बैच में लगभग 24 लड़के फेल हुए थे, हम 100 बुलाए थे। उसमें लगभग 55 लड़के सहारनपुर के थे और 35 लड़के थे गाजियाबाद के, और 10 थे दिल्ली के, जो दिल्ली के हैं 10 लड़के, उनमें से लगभग 87 उपस्थित थे जो और एबसेंट थे। उनमें से भी 24 लड़के अनफिट हुए हैं जिन्हें रीमेडिकल दे दिया। 44वीं वाहिनी PAC मेरठ में। अच्छा, रीमेडिकल के लिए 44 वाहिनी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप अगर फिट हैं तो तुम्हें किसी प्रकार की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप बेधड़क होकर आप चले जाइए सेंटर पे और अपना मेडिकल ले दो। तो दिल्ली पुलिस वालों आपके लिए यही कहना चाहूंगा, आप घबराए नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना कोई खास नहीं है। मेडिकल बहुत ही आसान है, आप बस अंदर जो है जज्बा बनाए रखें आसानी से, और कॉन्फिडेंस में जाइए आप डॉक्टर के सामने, कॉन्फिडेंस में। अरे सबसे पहली बात अनुशासन में रहना है तुम्हें, बिल्कुल भी कोई हरकत नहीं करनी है वहाँ पर, क्योंकि उनके हाथ में कलम रहती है। देखो तुम्हारा भविष्य उनके हाथ में है, वो कभी दिमाग के अड़ियल टाइप भी हो जाते हैं कितने कोई डॉक्टर, तो उनके विवेक पर डिपेंड करता है वो। तो आप तो वहाँ से सफाई करके जाना है दोस्तों, खास बात ये है कि आपको सफाई करके जाना, हेयर रिमूव करा के जाने हैं, जो भी अपने आप। देखो मैंने हेयर का ऐसे करा लिया था जिससे कि ये लगे कि हाँ भाई लड़का उत्सुक है लगने के लिए, पूरा पुलिस फोर्स में जाने के लिए। ये तो आपको अच्छे जाने, कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम आईडी आपके सामने है, आप फॉलो करके उस पर कमेंट कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी प्राइवेट प्रॉब्लम है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत। अपना भाई।